तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज जो हम खेलने जा रहे हैं भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। हम इसे डिफरेंट होते हैं तो यार पेंसिल से यार इस बार भी थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं कैटाकॉम्स के अंदर। अब तुम लोग बोलोगे भाई कैटाकॉम्स के अंदर तो तू वैसे भी खेलता है। तो गाइस देखो क्या कैटाकॉम्स के अंदर खेलेंगे, लेकिन हम खेलेंगे कटर ओनली चैलेंज नहीं बोल सकते, मतलब कटर ओनली #1 गेम प्ले। तो ये कटर ओनली गेम प्ले का फर्स्ट पार्ट है। हम सिर्फ कटर से बंदों को मारेंगे, ग्रेनेड से मार सकते हैं, घूसों से मार सकते हैं और किसी भी गन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो गाइज अभी और भी ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे गेम प्ले की तरफ। ओके गाइज तो अभी मैं यार कटर ओनली गेम प्ले पहली बार कर रहा हूँ एंड मेरे को कुछ पता भी नहीं कि कटर मिलेगा भी या नहीं। अगर नहीं मिला ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई हमारी, घूसे और ग्रेनेड से बंदों को मारते रह जाएंगे। ग्रेनेड से भी कब तक मारेंगे भाई। ओके यहाँ पर हेल्थ किट मिल गई अभी इस बंदे को पहलते पहले। भाई तो घूसे से मरना चाहता है क्या कटर ओनली पहले गेम प्ले में? लो ला रहा है पिटू यू मकबूल को मार दिया हमने घूसों से, दैट इज आई डू इट गेमर्स। एंड गाइज अगर आप सभी लोगों को एक कटर ओनली गेम प्ले पसंद आता है तो यार फटाफट जाकर के वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का एम रखूंगा मैं 2000 लाइक्स का। अगर 2000 लाइक्स हो जाती हैं इस वाली वीडियो के ऊपर तो गाइज हम बनाएंगे फिर कटर ओनली के और भी ज्यादा एपिसोड्स एंड इसे पहुंचाएंगे एपिसोड नंबर 10 तक। तो ओके गाइज अभी बहुत बकबक हो गए, अब यहाँ पर मैंने कटर छोड़ दिया है, अब देखते कोई किल मिल जाए। दैट इज हाउ यू डू इट, ब्लैक शैडो का किल मिल चुका है। मेरे को लगा व्हाइट शैडो भी होती होगी लेकिन ये तो ब्लैक शैडो है। लो ओके गाइस तो यहाँ से बंदा आ रहा है, मैं सोचो ट्रिक शॉट ट्राई कर लेते हैं। भाई ट्रिक शॉट भी आने चाहिए ना कटर से, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से एक कटर फेंकते हैं, ये तो ऊपर से चला जाएगा। अरे यार एक और ट्राई करते हैं। ओके ये वाला सीढ़ी जाएगा, हो सकता है किल मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, बट लेट्स सी। यार कटर में देखो एक ही दिक्कत है, कभी कभार कटर मिलता नहीं है एंड कभी कभार जब मिलता है ना भाई कोई बंदा लेके भाग भी सकता है, तो दिक्कत वहाँ पर आ जाती है। भाई मर जा प्लीज, डाई ब्रो। अरे यार तू क्या कर रहा है? लोल मेरा कटर मेरे पीछे पड़ गया। दो किल्स यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, सेकंड पोजीशन पे चल रहे हैं। तो भाई यार मेरे को पता नहीं कितना एम रखूं किल्स का इसके अंदर, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कितने किल्स मैं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी तक कटर नहीं मिला है। दो मिनट के अंदर एक बार ही कटर मिला एंड ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना बंदे लेके भाग जाते हैं कटर को, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं, हो सकता है और भी कटर मिल जाए। ओ भाई ये ग्रेनेड से मर गया क्या? ओ पी दैट इज हाउ यू डू इट, ओपी ग्रेनेड। ग्रेनेड गेम प्ले थोड़ी चल रहा है भाई, कटर चाहिए, गिव मी दैट कटर। ओके एंड आई थिंक आगे की साइड में बंदा, यहाँ पे छोड़ दें एक कटर, काश कोई मर जाए प्लीज यार, किल दे दो, किल विल दे दो, तीन चार बंदे एक साथ खड़े हो जाओ ताकि मेरे को कई सारे किल मिल जाए। लोल भाई ओके एक और कटर गया है। ओके एक और बंदा आ रहा है क्या? नहीं 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 अभी निकलते हैं यहाँ से, नीचे चलते हैं। नीचे से मेरे को बंदे लग रहा था, नहीं ऊपर से आ रहा है फिर से। तो गाइस यार कटर के अंदर एक और दिक्कत और होती है कि भाई कटर के अंदर एमो बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो दिक्कत की बात यही है कि भाई एमो बहुत जल्दी चली जाती है, इसलिए सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। एंड मैंने यहाँ पे बिना सोचे समझे इतने सारे कटर चला दिए, लेकिन यार किल तो देखो कन्फर्म हो गया एक, तो दैट इज़ आई डू इट। एंड आई थिंक ये सेकंड किल था कटर से या फर्स्ट, पता नहीं मेरे को। ओके ऊपर की तरफ चलते हैं, अभी मेरे पास कटर नहीं है लेकिन मैं कटर को लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेले से मार सकूँ तो मार दूँ यार बंदे को। ओके डाई ब्रो दैट इज़ आई डू इट, गॉट दैट किल। यार मेरे को आधे से ज़्यादा किल्स तो सिर्फ ग्रेनेड्स और घूसों से मिल रहे हैं, कटर से मेरे को इतने किल्स नहीं मिले अभी जितने मेरे को ग्रेनेड और घूसों से मिले हैं। ऊपर की तरफ एक और बंदा शायद कटर वगैरह चला रहा है, तो आई होप वहाँ पर ओके ये कटर पड़ा है, लेकिन इसके अंदर एमओ भी तो होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई प्लीज़ तू मत उठा। अरे यार अरे भाई ये ग्लिच हो गया लोल। अरे यार ये ग्लिच बहुत बुरा लगता है, मतलब बंदा पार हो जाता है एंड दूसरे बंदे को दिखाता है कि मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ, उस बंदे ने मेरे को कितना आसानी से मार दिया भाई। आ रहे बी टू मी नो वरीज, अभी हम ट्राई करते हैं भाई कटर मिल जाए तो। एंड यहाँ पर शॉटगन पड़ी है, शॉटगन पता नहीं कौन ठाके ले आया, उधर से लाया था लेफ्ट साइड से एंड यहाँ ला के छोड़ दी। अरे नहीं नहीं कटर, अरे भाई ये क्या भाई, दूर था मैं कटर के, पास भी नहीं था, पता नहीं क्या ही सीन है। ओके तो दो बंदों ने गेम भी छोड़ दिया पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पर अभी भी चार बंदे हैं, एक बंदा तो पता नहीं स्टक सा है बीच में AFK लोल भाई। तो अभी यहाँ पर चलते हैं नीचे की तरफ एंड देखते हैं और कटर कहाँ पर मिलते हैं। कटर तो यार ऊपर भी मिलते हैं लेकिन अभी ऊपर स्पॉन नहीं होते हैं, क्योंकि एक मिनट के आसपास वहाँ पे कटर स्पॉन नहीं होते, मैंने देखा है कई बार। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं, नीचे की साइड में बंदा दिख रहा है मेरे को, तो नीचे चल के इस बंदे को पेलते हैं। 5 एमओ अपने पास, डाई प्लीज। अरे भाई तेरे पैर को छू के गया, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? हेलो अरे भाई यार लो ला रहे बिटूमी। लगता है भाई इस वाले चैलेंज के अंदर 5 किल रह जाएंगे, 10 किल तो होने के ही नहीं है आज के डेट में। तो अभी लेकिन हम ट्राई करेंगे, हो सकता है यार 7 या 8 किल तो हो ही जाए, तो लेट्स गो। यहाँ पे देख रहे हो MP5 पड़ी हैं, अब तो कटर भाई कहीं नहीं दिखाई देगा। अगर मैं वैसे नॉर्मल गेम प्ले करने लगूं ना हर जगह कटर कटर की बरसात हो जाएगी, कटर लॉबी बन जाएगी कतई। ओके यहाँ पर मेरे को मेरा कटर वापस मिल गया एंड ऊपर की तरफ एक और बंदा है, आई थिंक उसे नहीं उसके पास शॉटगन है। डाई दैट्स हाउ यू डू इट, दो किल मिलने चाहिए। ओके गॉट दैट किल।
दो किल मिलते भाई, ऐसी सेटिस्फेक्शन सी मिलती है ना दो किल्स के साथ। अरे किसका कटर आ गया वापस, लोल। लेकिन मैं बच गया उससे, लोल भाई। ओके 10 सेकंड का गेम प्ले, मतलब 15 सेकंड जितना भी सेकंड है भाई, बस गेम प्ले खत्म होने वाला है। मारो मारो मारो, मरेगा मरेगा डेफिनेटली, दैट इज हाउ यू डू इट। मकबूल को फिर से मार दिया, गेम की शुरुआत और गेम का अंत हुआ मकबूल के साथ। लोल, नहीं एक और बंदा पिल गया, लोल। अरे बिटो एम, तो दैट इज हाउ यू डू इट गेमर्स। एंड देखते भाई हमारे यहाँ पर कितने किल्स हो चुके हैं। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पर 9 किल्स करे हैं, 9 किल्स। चलो यार, 7-8 सोच रहा था 9 किल्स हुए, तो अभी मैं फिलहाल तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई मेरे पास कितने सारे कॉइन्स थे एंड मैंने वो कहाँ पर खर्च करे हैं। तो देखो गाइस, मैंने सोच रहा था कि मैं असॉल्ट राइफल के अंदर खर्च करूँ, लेकिन भाई फिर मेरा मन नहीं करा असॉल्ट राइफल के अंदर। फिर मैंने सोचा शॉट गन, मैंने कहा नहीं भाई अभी मैं चलता हूँ सीधे स्पेशल के अंदर। फिर मैं स्पेशल के अंदर गया, मैंने देखा कि भाई रॉकेट लॉन्चर 6000 में अपग्रेड हो रही थी, तो मैंने लिया भाई रॉकेट लॉन्चर को ही अपग्रेड कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर से एक और अपडेट मांगने लगी, लो ले भाई। तो होपफुली गाइस सभी लोगों को गेम प्ले पसंद आया होगा, एंड गाइस अगर पसंद आया तो यार तुम सभी लोगों को पता है कि भाई क्या करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड गाइस इसी के साथ फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।